सो व्हाट्सएप गाइस, आज आपका भाई सिखाना एच डी आर फेस इशू करे तो करे कैसे। बहुत सारे भाई लोग आप लोग को चुतिया बना रहे, लेकिन इस आप लोग को फुल एच डी क्वालिटी में फेस को स्मूथ करना नहीं, और फुल एच डी आर आप लोग को फेस को स्मूथ करके कोई भी बताता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को क्या होता है, एच डी आर फेस स्मूथ करने के लिए स्पेशल एक ब्रश रहता है, ठीक है। आज आपका भाई उस ब्रश के बारे में आप लोग बताएंगे, स्पेशल ब्रश हो कौन सा है, कौन सा सेटिंग है, सारा कुछ आप लोग एच डी आर फेस स्मूथ का राज आपका भाई खोल देने वाले। बस आप लोग क्या है ना, रिक्वेस्ट है पूरा एंड तक वीडियो में बने रहेंगे, तभी आप लोग को सारा कुछ समझ में आएगा, नहीं तो आप लोग वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे तो आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग को क्या करना, पूरा फुल वीडियो देख लेते हैं, कुछ इस टाइप का आप लोग भी फेस को फुल एचडी क्वालिटी में स्मूथ करना। और गाइस एचडीआर फेस आप लोग को पता है काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर आप लोग को ट्रेंडिंग चल रहा है। तब तक गाइस हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, आप लोग को सिखाते हैं फुल एचडीआर फेस स्मूथ करे तो करे कैसे। तो गाइस अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो व्हाट्सएप गाइस, आ चुके अपने मोबाइल स्क्रीन पे। गाइस आप लोग भी दिमाग में चलता होगा एच डी आर फेस स्मूथ होता क्या चीज़, एच डी आर फेस स्मूथ करा कैसे जाता है, लेकिन आज आपका भाई सारा कुछ इस वीडियो आप लोग को बता देंगे। 110% आप लोग एच डी आर फेस स्मूथ करना सीख जाएंगे, वो भी गाइस आप लोग को पता है कौन सा ब्रश से होता है, तो आपका भाई वो भी ब्रश भी बताएगा। तो सबसे पहले आप लोग को ओजेपी को जो भी पिक को एडिट करना रहेगा, तो आप लोग को क्या करना, अपना ओजेपी को लाइटरूम नहीं आप लोग को किसमें स्केच बुक एम में गाइस आप लोग को शेयर कर लेंगे। सो गाइस स्केच बुक एम में गाइस अपना फोटो शेयर करने में सबसे पहले आप लोग एच डी आर फेस को स्मूथ करना पड़ेगा, ठीक है। ही गाइस आप लोग एच डी आर फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोग को सबसे खतरनाक ब्रश बताएंगे, अभी तक कोई भी आप लोग इस ब्रश के बारे में अभी तक कोई भी आप लोग को बताया नहीं हुआ, ठीक है। तो एरा गाइस एच डी आर फेस स्मूथ करने का ब्रश सबसे हार्ड और सबसे मस्त ब्रश है, तो आप लोग देखिएगा फेस को स्मूथ काफी अच्छे तरीके से होगा। तो आप लोग देखिए इसका सेटिंग को कुछ इतना सा रहेगा, तो इसको आप सीटों को बीच वाले को करके आप लोग को 1200 करके आप लोग को रख लेंगे। सो गाइस 1200 करके आप लोग को रखेंगे, 12 करके उसका दोनों फिंगर्स आप लोग को फोटो को जूम करना है। एच डी आर फेस स्मूथ देखिए काफी अच्छे तरीके से होता है, और सबसे बेस्ट एच डी आर फेस स्मूथ ही लगता है। तो देखिए एच डी आर फेस स्मूथ काफी अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए आप लोग को दिमाग में चलता हो भाई इतने अच्छे तरीके से एच डी आर फेस स्मूथ हम कैसे करते थे, अभी तक कोई बताया नहीं था, आप बता के थैंक यू सो मच तक जरूर आप लोग बोलोगे। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपना एच डी आर फेस स्मूथ कर रहे हैं, तो सेम तरीके से आप लोग वीडियो देख लेते हैं। देखिए आप लोग को एक भी आप लोग को फेस पे धब्बा धब्बा सा कुछ भी नहीं दिख रहा है, और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका भाई सेकेंडों में इतना दूर फेस को स्मूथ करके आपका भाई दिखा चुका। और यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या है ना, तो आप लोग को ब्रश को उठा सा नहीं करना है, एक बार गाइस आप लोग ब्रश को पकड़ लें तो पूरा राउंड आप लोग को पूरा फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना है। देखिए आपका भाई काफी अच्छे तरीके से फेस को अच्छे तरीके से एच डी आर फेस स्मूथ कर रहे हैं, तो देखिए काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे भी गई, अब देखिए सेकेंड में आपका भाई यहाँ पे भी स्मूथ कर लिया। तो फाइनली गाइस अभी यहाँ पे अच्छा होगा नाक के पास जब स्मूथ करने जाते हैं तो आप लोग का क्या प्रॉब्लम होता है, तो वो भी गाइस आपका भाई इसी वीडियो में आप लोग को सोल्यूशन उसका भी बता देंगे। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से हम अपना फेस को स्मूथ कर रहे हैं, तो देखिए आप लोग इस तरह आप लोग करके जब स्मूथ करते तो क्या प्रॉब्लम होता था, देखिए आप लोगों को ब्रश को थोड़ा सा कैसे एक बार स्मूथ करके उसके बाद उठाना है। देखिए आप लोग ऐसा करके कर देंगे तो आप लोग का नाक ही पूरा गायब हो जाएगा, देखिए हमारा नाक पूरा गायब होगा। तो इसको बैक आके हम तो क्या करते हैं अच्छे तरीके से, देखिए ब्रश को यहाँ पर सीधा पार्ट है तो यहाँ पर उठा लेंगे, और जो हमारा राउंड सा पार्ट है इसको भी अच्छे तरीके से उठा लेंगे। तो देखिए आपका भाई काफी अच्छे तरीके से राउंड से जो ब्रश है, तो आप लोग ब्रश को अच्छे तरीके से एच डी आर फेस स्मूथ जब करना चाहते हैं तो आप लोग को प्रॉब्लम होता, तो इस वीडियो देखने बाद आपका प्रॉब्लम सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए काफी अच्छे तरीके से आपका भाई स्मूथ करें, तो देखिए सेम प्रोसेस करके आप लोग भी कर लेना है, आपका भाई जैसा स्मूथ कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस करके आप लोग भी कर लेना, और गाइस आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगा जो आपका भाई सारा कुछ बता रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं स्मूथ, सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेंगे, और गाइस एक क्लिप में आपका भाई बताएगा काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोग को फोटो को एडिट कर पाएंगे। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से फेस वगैरह सारा कुछ इतना दूर स्मूथ कर लेते, अभी गाइस हम लोग कान पे और यहाँ पे गाइस इतना स्मूथ करना बाकी है, इसको भी गाइस जब स्मूथ करेंगे तो आप लोग देखिए कितना अच्छे कि हमारा रिजल्ट आप लोग को देख के मिलेगा, तो आप लोग संभव हो जाओगे। और गाइस आप लोग कहोगे भाई ये ट्रिक आप क्यों इतना छुपा के रखे थे, लेकिन आपका भाई इस वीडियो में आप लोग को सारा ट्रिक आप लोग को छुपा रखे थे, तो आप लोग को खोल देंगे। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से आप लोग देखिए स्मूथ कर रहे हैं, तो आप लोग देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ भी ब्लैक पार्ट है सारा कुछ मिक्स हो जा रहा है। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से हम फेस वगैरह अच्छे तरीके से स्मूथ कर रहे हो, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी अपना फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेना, जैसा आपका भाई स्मूथ कर रहे हैं ना, तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को अपना फेस वगैरह अच्छे तरीके से स्मूथ कर लेंगे। जो जो आप लोग का ब्रश बता रहे हो, तो सेम ब्रश को आप लोग सेलेक्ट करके जब स्मूथ करेंगे तभी आप लोग स्मूथ कर पाएंगे। और देखिए ये वाला गाइस आप लोग जब ब्रश ले लेंगे ना, तो आप लोग को
देखते हैं आप लोग को हाथ वगैरह कितना बाल उल रहता है, तो आप लोग ये ब्रश को देखिए, तब भी बाल यहाँ पे देखिए हमारे छाती के ऊपर कितना बाल है, तो इसको भी हम आरके तो अच्छे तरीके से स्मूथ करेंगे तो हमारा बाल जो है तो तुरंत ही गायब हो जाएगा। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हम कर रहे हैं तो हमारा बाल उल सारा कुछ गायब हो जा रहा है। तो सेम प्रोसेस करके जब आप लोग भी अपने फोटो को स्मूथ करने जाते तो जो भी आप लोग को दिक्कत रहता तो आपका भाई सारा कुछ सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोग को फेस स्मूथ कर निकाल दिया है। तो आप लोग सेम प्रोसेस करके आप लोग को जिस भाई को फेस स्मूथ करना बिल्कुल ही नहीं आता है तो उस भाई के पास ये वीडियो जब आप लोग को शेयर कर देंगे तो वो भी भाई आप लोग को फेस स्मूथ करना काफ़ी अच्छे तरीके से वो भी सीख जाएंगे। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से हम अपना फोटो को स्मूथ करें ना तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना है, कुछ भी आप लोग को प्रॉब्लम 110% नहीं होने वाला है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए हमारा कितना बाल होगा रहता है, इसको भी हम सेम ब्रश को वही सेटिंग करके रखेंगे जो आपका भाई स्क्रीनशॉट मार के आप लोग चाहते तो आप लोग रख के उस सेटिंग को सेम प्रोसेस करके आप लोग भी अपना फेस को अच्छे तरीके से स्मूथ कर पाएंगे और वन क्लिक में भी आपका भाई फोटो को एडिट करके दिखाने वाला है। तो देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से आपका भाई इतना प्रोसेस होकर स्मूथ वगैरह सारा कुछ कर लिए हैं। तो फाइनली कैसे यहाँ पे कान पे पास थोड़ा सा बचा तो जैसे देखिए हमारा कान के पास जैसा जैसा रेगारी कान गया तो सेम प्रोसेस करके आप लोग को भी कर लेना है, जैसा आपका भाई स्मूथ करके आप लोग को फोटो को भी एडिट करके दिखाने वाले हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से करके हमें स्मूथ वगैरह सारा कुछ कर लिए हैं। तो फाइनली कैसे हमारा कान के पास थोड़ा सा बचा है तो इसको भी हम क्या करें अच्छे अच्छे तरीके से फटाक से करके स्मूथ कर लिए फेस वगैरह सारा कुछ। तो फाइनली गाइस अभी ऑन क्लिक में आपका भाई फोटो एडिट करके लेने के लिए आप लोग को शेयर वाला आइकन पे गाइस टैप करना है। तो शेयर वाला आइकन पे गाइस जब आप लोग को टैप कर लेंगे तो आप लोग को फोन थोड़ा सा लोडिंग लेगा, जैसे हमारा फोन लोडिंग ले रहा तो सेम प्रोसेस करके जब आप लोग करेंगे आप लोग का फोन लोडिंग लेगा तो उसके बाद गाइस आप लोग को क्या करना है ना अपना फोटो को लाइटरूम ऐप में गाइस आप लोग को शेयर कर लेंगे। सो गाइस लाइटरूम ऐप में गाइस जब शेयर करेंगे ऊपर के नोटिफिकेशन में जब आप लोग को टैप कर लेंगे तो उसके बाद आप लोग का फोटो लाइटरूम ऐप में गाइस आ जाएगा। तो उसके बाद गाइस आप लोग को ए वाला गाइस आप लोग को प्रीसेट दे देंगे। सो गाइस ए वाला प्रीसेट जब लेंगे थ्री डॉट पर आप लोग को टैप करेंगे, थ्री डॉट पर आप लोग टैप करके तो कॉपी सेटिंग करके लिखा तो कॉपी सेटिंग करके इसको हम लोग बैक कर आ जाएंगे। तो बैक आ जाने बाद गाइस आप लोग को क्या करना इसमें गाइस आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे तो एक ही क्लिक में हमारा फोटो काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट हो जाएगा। देखिए हमारा फोटो काफ़ी अच्छे तरीके से बिफोर एंड आफ्टर काफी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका। तो इतना प्रोसेस हो जाना गाइस आप लोग कर लेना। उसके बाद गाइस आप लोग को शेयर वाला आइकन पे गाइस जब आप लोग को टैप करेंगे तो आप लोग का फोन कुछ ऐसा करके लोडिंग लेगा। तो आप लोग का फोन जब लोडिंग लेगा तो उसके बाद गाइस अपना फोटो को पिका टाइम में गाइस आप लोग को शेयर कर लेंगे। तो पिका टाइम में गाइस जब अपना फोटो को शेयर कर लेंगे तो सबसे पहले आप लोग को कलर में यहाँ पर गाइस हमारा जो इधर में दूसरा कलर दिख कलर को चेंज कर लें स्टिकर वाला आइकन पाएंगे जो हमारा लाइट का पेंज वाला लाइट का पेंज को लेकर सॉफ्ट करके आप लोग यहाँ पर जूम करके अच्छे तरीके से लगा के इसको लाइट को कलर को हम चेंज करने के लिए मिक्सर टूल पे आके आएंगे। तो कलर पे आएंगे तो एक और डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे गाइस हम लोग क्या करेंगे बना लेंगे। सो गाइस डुप्लीकेट लेयर गाइस बनाने में यहाँ पे गाइस इसको डन कर लेंगे। सो गाइस इतना प्रोसेस होकर आप लोग डन कर लेंगे तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा फोटो काफी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका। जैसे आपका भाई दिखा HDR फेस स्मूथ करने का राज सारा कुछ इस वीडियो में आप लोग को खोल दिए हैं। और गाइस आप लोग यहाँ पे देखिए जो जो हमारा पत्ता था पत्ते को लगाने के लिए आप लोग को क्या करना ना इस वाले टूल पे आएंगे तो आप लोग कुछ नहीं मिलेगा। तो आप लोग को ए वाला गाइस आप लोग को टूल पे आ जाना है। ए वाला गाइस जब आप लोग को टूल पे आ जाएंगे तो आप लोग ऐसा करके इंटरफेस खुलेगा तो आप लोग के पत्ते को अपने साइज के हिसाब से आप लोग जहाँ जहाँ लगाना चाहते तो आप लोग भी अपने पत्ते को लगा के उसके बाद गाइस इसका कलर को भी चेंज करके हम दिखाने वाले हैं। इसका गाइस आप लोग को जब कलर को चेंज करेंगे तो आप लोग देखिए इस एडिट वाला आइकन पे आएंगे तो कलर को पत्ते को चेंज करना है। तो उसके बाद गाइस आप लोग सेलेक्टेड टूल पे आके आप लोग को पत्ते को कलर को चूज करके आप लोग जो कलर आप लोग बैकग्राउंड में लगाना चाहते उसको लगा के आप लोग जो एक्स्ट्रा पार्ट जो आप लोग को हो गया था आप लोग कलर को चेंज करने टाइम में उसको अच्छे तरीके से पार्ट को इरेज कर लेंगे। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो तो काफी अच्छे तरीके से हमारा फोटो अगर एडिट हो चुका है और HDR फेस स्मूथ करना आप लोग को भी आ गया हो। तब तक ले गाइस हम लोग क्या